सही जा दी। इधर देखिए, ये इस बैंक के साथ हमारा बहुत खास लगाव है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन को उस समय में मदद की थी जब बाकी एग्जिस्टिंग बैंक हमारे स्टेट बैंक था, उस समय उन्होंने वो मदद देने को मना कर दिया था। तो उस दौरान इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैज़ कम फॉरवर्ड एंड गिवन अस द हेल्प एंड सो डैट वी कैन पुट अप आवर इंडस्ट्री। सो उसी का नतीजा है कि आज 17 साल से हमारा अनइंटरप्टेड और बहुत ही मजबूती के साथ हमारा संबंध आगे बढ़ रहा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ। आज 49th बर्थडे के दिन मैं राहुल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग अ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, इट डजेंट लुक कि दे आर अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, इट दे रियली वर्क लाइक अ पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक। सो बहुत ही काबिले तारीफ है इनका एफर्ट और इनकी टीम और इनके रीजनल मैनेजर मिस्टर सर्वेश कुमार जी, वो भी बहुत ही बोले कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन है, जो वो कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। रिलेशनशिप, आज आप ये मान के चलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। सो मुझे फिनेंशियल नीड है, हम अच्छा बैंक को टाइमली सर्व करते हैं, बैंक हमारी ज़रूरत के समय में, टाइम के समय में हमको लोन दे, हमारी ज़रूरत के समय में हमारे बैंक कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, तो यही एक दूसरे के हम लोग पूरक बनते हैं। तो जो IOB ने किया है एंड वी आर हाईली अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट। दूसरा जो आपने पूछा कि कैसे हम लोग आगे जीवन के लिए हम लोग कर सकें, तो मेरी ये सुझाव रहेगी सबों से कि अभी इंडिया बहुत ग्रोइंग पाथ में है, बहुत ही तेज़ी से हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। 70 साल में हम लोग 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे और 4 ट्रिलियन में हम लोग 7 साल 9 साल में हम लोग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। अगले अब हर साल 1 ट्रिलियन ऐड होने वाला है इकोनॉमी में, यानी बहुत ही कैश का फ्लो और अब मान के चलिए कि ह्यूज मॉनिटरी फ्लो होने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। तो अच्छे से रहिए, अभी इंडियन मार्केट भी बहुत बुलिश है, शेयर बाज़ार भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से संभाल के करिए, अपने को डीरिस्क करते हुए चलिए, 3-4 वर्टिकल में कुछ फिक्स डिपॉजिट में डालिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ अलग अलग तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट करते रहिए। टाइमली कम खर्च कीजिए, खर्च पे लगाम रखिए और अपने आप को वेल्थ को क्रिएट कीजिए। आने वाले समय में इंडिया में, इंडिया का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। EMI टाइम टू टाइम पे कीजिए, थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर एज अ सीनियर मैनेजर हूँ यहाँ पर। आज हमारे ब्रांच का 49 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है जमशेदपुर ब्रांच का। हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने सारे कस्टमर, जो वैल्युएबल कस्टमर और हमारे सीनियर सिटीजन सभी को इनवाइट किया था, और हमारा सबसे पहले दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, फिर आगे केक कटिंग हुआ। और हमारे बैंक का, इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो कि बिष्टुपुर ब्रांच में है, यहाँ पर हमने सारे कस्टमर को इनवाइट करने के बाद अपने कस्टमर को सारा अपना जो भी प्रोडक्ट्स था हमने उनके विवरण किया, जिसमें हमारा RDP, डिपॉजिट, SB, कॉरपोरेट और जो भी लोन संबंधी हमारे जो भी स्कीम है उनके बारे में चर्चा की गई। और हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है और हमारे कस्टमर भी हमारे सर्विस को लेकर काफ़ी खुश हैं, और मैं ऐसे ही चाहूँगा कि वर्तमान फ्यूचर में भी हमारे साथ कस्टमर का इंटरेक्शन ऐसे ही जुड़ा रहे और हम कस्टमर के कंधे से कंधे मिलाकर अपना कार्यशैली को आगे बढ़ाएं। लेडीज़ है, और लेडीज़ के लिए बैंक में क्या क्या फैसिलिटी है? लेडीज़ के लिए सर देखिए, अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अगर बच्ची है तो उसके लिए गवर्नमेंट का स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और हर ये स्पेशली बच्चों के लिए, लेडीज़ जो बच्चे हैं उसके लिए है। और एक सर हमारा स्कीम है महिला
योजना, वो स्पेशली जो एडल्ट फीमेल है उसमें भी आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और कभी आपको लोन की कुछ भी ज़रूरत पड़े उसकी भी जो भी फैसिलिटीज़ है ये आपको मिल रहा है। और ये क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बैंक है तो ये सारा गवर्नमेंट का ही स्कीम है सर, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इसको अवेल करना चाहिए और अपने नीड्स को पूरा करना चाहिए। आईओबी का सर अभी जमशेदपुर में टोटल 4 ब्रांचेस है, एक बिस्टपुर, मानगो और साक्षी एंड बारीडी में है सर। और ये सारा ही ऑलमोस्ट, जैसे कि आज हमारा 49th बर्थडे है तो सभी 30-40 ईयर ओल्ड ही ब्रांच है सर। और एक न्यू अभी हमारा खुलने वाला है सरायकेला में, वो भी 3-4 मंथ्स में उसका हो जाएगा सर इनॉग्रेशन।